देवभूमि जनसेवा संस्था की ओर से 5 दिवसीय देवभूमि एक्सपो 2023 के समापन हुआ। देशभूमि एक्सपो 2023 के समापन पर उत्कृष्ट उत्पाद बनाने वाली संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह, लघु उद्यमियों को प्रशिक्षित प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वहीं एक्सपो मेले में 65 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें ऊनी वस्त्र, अचार, मसाले, थैले, खिलौने, कॉस्मेटिक सामग्री, सजावट की झालरें आदि सामान बेचे गए। मेले के अंतिम 2 दिनों में बहुत अधिक बिक्री हुई। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। किया गया था यहाँ पर, वो जो है देवभूमि एक्सपो मेला लगाया गया था। यह मेला एक बहुत अच्छा मेला रहा, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें खटीमा के जो थारू जनजाति हो या वहाँ के लोगों ने जो स्टॉल लगाए थे, नैनीताल, हल्द्वानी, भीमताल, रामगढ़, चुरगलिया, लालकुआ और हल्दूचौड़, ग्वालापार के लोगों ने यहाँ पर को लगाया था स्टॉल, जिसमें स्वयं सहायता समूह, छोटे उद्यमी, सफल उद्यमी, उनके द्वारा लगाया गया था। यह मेला बहुत अच्छा रहा और इसी प्रकार का मेला भविष्य में भी लगेगा, क्योंकि यह लोकल फॉर वोकल का एक मंच है, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा